न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए देखते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर के दिन भर की कुछ छोटी बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा पिछले दो दिनों से ट्रैफिक की नकल हमल के लिए बंद पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां शाहरा पर दरमंदा होकर रह गई है। शाहरा पर रामबन डिगडोल के मकाम पर एक भारी पसी गिराई थी, जिसके बाद शाहरा को ट्रैफिक की नकल हरकत के लिए बंद कर दिया गया था। शाहरा को दोबारा बहाल करने के लिए जिला इंतजामिया लगातार कोशिशें कर रही है। शाहरा की ताजा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे नुमाइंदे नदीम रामबन से। नदीम, क्या सूरत हाल है अभी कौमी शाहरा की? जी राम, देखिए जिस तरह से हम नेशनल हाईवे की बात करें तो हमने देखा था कि बुध की शाम से जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर डिगडोल के मकाम पर पसियां गिराने की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो गई थी और हजारों गाड़ियां, चाहे वो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां, शाहरा पर दरमाना होकर रह गई थी। वही कल की अगर हम बात करें, कल पूरा दिन शाहरा पर पसियां हटाने का काम चलता रहा, कल रात भी जो पसियां हटाने का काम चलता रहा, लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा था कि वहां पे वक्फे से शूटिंग स्टोन्स हो रहा था, जिसमें से क्लियरेंस की काफी प्रॉब्लम रही, क्योंकि जब शूटिंग स्टोन होता है तो क्लियरेंस का काम रोकना पड़ता था इस वजह से, लेकिन आज फाइनली हम बात करें तो आज जो है क्लियरेंस एजेंसी ने रोड को सिंगल क्रॉसिंग के काबिल बना दिया। वहां पे अभी की हम बात करें तो प्रायोरिटी बेसिस पर जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां हैं उन्हें निकाला जा रहा है, उसके बाद जो भी फ्यूल कैरियर है, जिस तरह से हम डीजल कैरियर की बात करें या फिर पेट्रोल लेके जो गाड़ियां जा रही है, रसोई गैस लेके जो गाड़ियां जा रही है, और जो फल फ्रूट सब्जियां वगैरह लेके जा रहे हैं, उन गाड़ियों को तरजीह बुनियादों पर निकाला जा रहा है। और अभी की हम बात करें तो आज जिस तरह से हम ट्रैफिक अथॉरिटीज की बात करें तो उनका ये कहना है कि आज जो है स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही अलाउ किया जाएगा टुवर्ड्स कश्मीर की तरफ। जिस तरह से हमने देखा है कि चाहे हम डिगडोल और रामबन के दरमियान की बात करें या फिर चंद्रकोट की बात करें, नाशिक की बात करें या उधमपुर की बात करें, जो गाड़ियां इस दरमियान दरमांदा है उन्हीं गाड़ियों को आज वादी कश्मीर की जानब चलने की इजाजत होगी। इस दौरान मुखालिफ सीमत से किसी गाड़ी को चलने नहीं दिया जाएगा और ना ही जम्मू से आगे या नगरोटा से आगे किसी गाड़ी को वादी कश्मीर की जानब। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम आपका। जनूबी कश्मीर जिला शुपियां के रामनगरी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के दरमियान बीती रात मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ, जिसमें ISJ के मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता एक जंगजू मारा गया। पुलिस ने जुमा को एक बयान में कहा कि हिफाजती अमले को ये इतला मौसूल हुई कि जंगजू जिला शुपियां के रामनगरी हरपुरा इलाके में छुपे बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुश्तरक तौर पर इस इलाके को मुहासरे में ले लिया और जंगजुओं को ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने कहा कि फरार होने के तमाम रास्ते मजदूर पाकर जंगजू ने हिफाजती अमले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। पुलिस के मुताबिक सलामती अमले ने भी पोजीशन संभालकर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया और इस तरह से तरफेन के माबेन झड़प शुरू हुई। पुलिस ने कहा कि कुछ अरसा तक जारी रहने वाली इस झड़प में एक जंगजू, जिसकी शनाख्त इशफाक अहमद सोफी और उमर वल्द मुश्ताक अहमद साकरा मॉडल टाउन सोपोर के बदर हुई है, जहां बाग हो गया। श्रीनगर के नौहटा इलाके में जुमा को उस वक्त 6 अपराध जख्मी हो गए जब यहां फोर्सेस और मुजाहिरीन के माबेन झड़पें हुई। इतलात के मुताबिक नमाज जुमा के फौरन बाद मुजाहिरीन ने नौहटा में कायम तारीखी जामा मस्जिद के बाहर फोर्सेस को संगबाजी का निशाना बनाया। पुलिस और फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई अमल में लाते हुए टेयर गैस के गोले दागे और पैलेट फायरिंग भी की। इतलात में बताया जा रहा है कि जो 6 मुजाहिरीन जख्मी हो गए उन्हें पैलेट लगे हैं। मजीद खबरों को आगे बढ़ाने से पहले यहां पे लेते हैं छोटा सा तजारती वक्फा। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। बिस्मिल्लाह मोटर्स, अपोजिट जामिया मस्जिद, नेशनल हाईवे रोड, काजीगुंड, जहां पर यामाहा कंपनी के स्कूटीज, बाइक्स के अलावा लाइट व्हीकल्स भी दस्तियाब है। तो यामाहा कंपनी के शानदार और पावरफुल बाइक्स और स्कूटीज के लिए तशरीफ लाइए बिस्मिल्लाह मोटर्स काजीगुंड, जहां पर बाइक्स और स्कूटीज के अलावा आपके लिए मुख्तलिफ कंपनियों के बड़ी और छोटी गाड़ियां भी मुनासिब रेट्स पर दस्तियाब है। इसके अलावा यहां पर बाइक, स्कूटीज और गाड़ियों के लिए फाइनेंस फैसिलिटी भी दस्तियाब है। तशरीफ लाइए बिस्मिल्लाह मोटर्स, अपोजिट जामिया मस्जिद, काजीगुंड। फोन नंबर 9419043726, 9797172679। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आइए देखते हैं मजीद खबरें। जम्मू कश्मीर सरकार ने जुमा को कश्मीर शाहरा पर सिविलियन ट्रैफिक के लिए आयद पाबंदियां इतवार तक महदूद कर दी। कश्मीर शाहरा पर मई अप्रैल से हफ्ते में दो दिन तक सिविलियन ट्रैफिक की नकल हरकत पर पाबंदियां आयद की गई थी। इन पाबंदियों के तहत बुध और इतवार को किसी भी सिविलियन गाड़ी को श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी और इसको फोर्सेज कार्रवाई के लिए मखसूस रखा गया था। कश्मीर शाहरा को हफ्ते में दो रोज तक बंद रखने के फैसले की शदीद मुखालफत जारी थी, तहम आज महकमा दाखिला की तरफ से एक ऑर्डर जारी करते हुए इस पाबंदी को महज इतवार तक महदूद कर दिया गया। ऑर्डर के मुताबिक अब हफ्ते में सिर्फ इतवार को ही कश्मीर शाहरा सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी और बुध की पाबंदियां खत्म की गई।
महकमा मौसमियात ने जुम्मा को जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 5 दिनों तक बारिशों की पेशगोई की है। एक बयान में महकमा मौसमियात ने कहा कि कश्मीर खित्ते के अंदर अगले 5 रोज के दौरान बारिशों का इम्कान है, जबकि जम्मू और लद्दाख सूबों में कहीं कहीं बारिशें हो सकती है। वादी कश्मीर में गुज़श्ता सर्मा के दौरान काफी बर्फबारी हुई थी। सर्मा खत्म होने के बाद अभी तक काफी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से मौसम में ज्यादा गर्मी नहीं है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में आज एक लड़की ने पावर किनाल कंगन में छलांग लगाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। कश्मीर न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।